हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। तो जैसा पहले की तरह मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर तैयार हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो है एलजेब्रिक फार्मूला, यानी कि कुछ बीजगणितीय सूत्र हैं जो हमेशा मैथ में काम आते हैं, जो कि स्टार्टिंग है 6 से लेकर 12 तक का काम आएगा और हर एक कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर रट्टा मारते मारते थक जाते हैं, लेकिन याद नहीं होता है। तो मैं आपको अपनी नॉलेज के अनुसार एक ट्रिक के माध्यम से, एक अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताऊंगा जिससे कि आसानी से याद रहे, उसको आप ब्रेन में बैठा सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसे सबसे पहले देख सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कुछ मैंने लिख रखा है फ्रेंड्स, एलजेब्रिक फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उस पर रिलेटेड कुछ, और ऐसा नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही आता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दे सकता है या m प्लस एन का होल स्क्वायर दे सकता है। इसलिए मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बताऊंगा ही और साथ साथ में उस पर एक एग्जांपल लेके रखा हूँ, उसे भी बताऊंगा वो कैसे करना है और साथ लास्ट में आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी दूंगा जो आप लोग बनाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का पूरा पूरा रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे याद करें। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, अपने कॉन्सेप्ट में बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो क्या करना है। एक बार फर्स्ट वाले ये बताओ, घर में दो आदमी हैं तो दोनों के लिए कुत्ता पड़ा है या एक के लिए। तो ये मान लो, सपोज एग्जाम्पल के लिए, कुत्ता तो दोनों के लिए है क्योंकि घर में दो जन है तो दोनों की रखवाली करता है, तो खाना तो दोनों जन देंगे ना। हाँ, तो क्या करना है फ्रेंड्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी बोला जाए तो एक बार इसका स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, या एक बार ए का स्क्वायर और उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दीजिए, एक बार बी का स्क्वायर, एक बार इसका और एक बार इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक बार क्या करना है, यहाँ देखना है कैलकुलेशन आगे, तो ये कुछ भी साइन नहीं होता तो प्लस होता, तो प्लस और प्लस क्या होता फ्रेंड्स, प्लस ही होता, कभी प्लस प्लस माइनस नहीं होता। तो चलिए, अब इन तीनों का गुना 2ab, देखिए फ्रेंड्स कैसे लिख डाला, एक बार फर्स्ट वाले का स्क्वायर, एक बार सेकंड वाले का स्क्वायर और लास्ट में तीनों का मल्टीपल 2ab, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हमने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया। कुछ लड़के लोग इसको ऐसे बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी राइट है फ्रेंड्स, रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल 100% श्योर है राइट। तो क्या करना है, ये भी कुछ गलत, थोड़ा भी गलत नहीं है, 100% श्योर है, क्योंकि क्या क्या है ए स्क्वायर, कुछ भी करो आप इधर उधर करोगे चलेगा, लेकिन साइन चेंज होना नहीं चाहिए, साइन का मतलब होता है चेंज। ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर है, 2ab है, प्लस था तो प्लस में ही है और बी स्क्वायर लास्ट में गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट के वैसे सेकंड भी आप कर सकते हो, जैसा कि हमने बताया फर्स्ट वाले का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, अगर m रहेगा तो m का स्क्वायर और प्लस उसके बाद a सेकंड वाले का स्क्वायर, y स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे साइन देखना है प्लस 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 2xy, या एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और आसानी से इस पे मैथ सेट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए कि इस पे फार्मूला पे मैथ कैसे सेट करते हैं। चलिए, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बस वही रूल्स अपनाना है, एक बार फर्स्ट वाले का स्क्वायर उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड वाले का स्क्वायर, तो सेकेंड वाले क्या है माइनस है, तो माइनस है तो माइनस नहीं देना है, प्लस देना है, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि स्क्वायर कभी माइनस नहीं होता, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। फॉर एग्जांपल एक लेके चलते हैं, मान लीजिए माइनस टू का स्क्वायर निकालना है
तो कितने बार लिखना है घर वाले को, दो बार, माइनस टू गुना माइनस टू, तो माइनस माइनस गुना में हो जाता है प्लस, टू टू जा फोर, इसलिए स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। तो देखिए एक बार फर्स्ट का स्क्वायर, एक बार सेकंड का स्क्वायर, बाद में कैलकुलेशन, ए प्लस अरे माइनस माइनस टू ए बी, आसानी से बन गया ना फ्रेंड्स। इसी प्रकार से हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बस जस्ट यही फर्स्ट वाले का स्क्वायर, उसके बाद प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर, प्लस में ही लिखना है, माइनस रहे या प्लस रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी स्क्वायर और उसके बाद यहाँ साइन प्लस माइनस माइनस, तीनों का गुना टू ए बी यानी टू एक्स वाई, ऐसे कर सकते हैं, या कुछ लोग लड़के लोग ऐसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जैसा है माइनस तो माइनस ही देना, साइन चेंज मत करना, बस दोनों सही है। अब देखना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब क्या होता, तो बस इसमें तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह की स्क्वायर तो है नहीं, क्या स्क्वायर कर लेंगे, बस क्या करना है आगे का a में a से गुना, तो a में a से a स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस माइनस b में b से b स्क्वायर, हो गया फ्रेंड्स और कुछ नहीं बचा। तो इसका हम डिटेल जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये शॉर्ट में आपको फार्मूला तैयार करने के लिए बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए बस सेम टू सेम है, एक बार x का स्क्वायर और एक बार y का स्क्वायर, आसानी से बन गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, तो बस एक बार एक घर में दो जन है दोनों के लिए काम कर रहा है, तो एक बार फर्स्ट वाले का ये नंबर आ जाएगा, देखो ये स्क्वायर था तो स्क्वायर आएगा, ये क्यू है तो क्यू आएगा, पावर थ्री को क्यू बोलते हैं, पावर टू को स्क्वायर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए प्लस सेकंड वाले का क्यू बी क्यू, और उसके बाद ध्यान देना है साइन कैलकुलेशन, प्लस 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 थ्री ए बी, थ्री ए बी, उसके बाद वापस इस नंबर को दो बार लिखना है, थ्री ए बी लिख लिया। अब क्या करना है, एक बार ए पे स्क्वायर देना है, इधर स्क्वायर नहीं देना, यहाँ पे ए पे स्क्वायर देना है और एक बार बी पे स्क्वायर देना है। हमारा आंसर निकल चुका ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, तो एक बार फर्स्ट वाले का क्यू, एक बार सेकेंड वाले का क्यू और एक बार तीनों का कैलकुलेशन, प्लस 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 थ्री एक्स वाई, इसको दो बार लिखना है, प्लस थ्री एक्स वाई, प्लस में ही लिखना है, एक बार एक्स पे स्क्वायर और एक बार वाई पे स्क्वायर, इस प्रकार हमारा आंसर इसका भी आ गया। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं माइनस बी का हल क्यू, एक बार फर्स्ट वाले का क्यू और एक बार सेकेंड वाले का, लेकिन याद रखिएगा क्यू है तो आपको माइनस देना पड़ेगा, स्क्वायर में हमेशा प्लस होता है लेकिन क्यू में माइनस होता है, क्योंकि तीन टाइम करके देखेंगे तो माइनस टू का क्यू देखिए, तो माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, टू टू जा फोर टू जा एट, माइनस में आता है। तो ध्यान दीजिए, या तो एक ट्रिक के माध्यम से आप बता सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई नंबर है और इसका अंदर में माइनस है, पावर अगर सम नंबर हो यानी कि दो से कटने वाला नंबर हो, तो अगर इवन नंबर होगा तो प्लस होगा, अगर यहाँ पे नाइन है जो टू का टेबल में नहीं आता, डिविजिबल नहीं है टू से, तो क्या होगा माइनस होगा आसानी से। तो ध्यान दीजिए अब क्या करना है, ए क्यू बी क्यू, अब इसके बाद देखिए साइन कैलकुलेशन, प्लस माइनस माइनस थ्री ए बी, थ्री ए बी, और लास्ट में याद रखिएगा माइनस का फॉर्मूला में लास्ट में प्लस होता है, थ्री ए बी, एक बार इस पर स्क्वायर और एक बार इस पर स्क्वायर, आसानी से बन गया। अब इसको देखिएगा तो x का क्यू फर्स्ट वाले का क्यू माइनस सेकेंड वाले का क्यू और ए प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर तो देना ही है आपको पता है, और प्लस थ्री एक्स लास्ट में y पर स्क्वायर दे देंगे, इस प्रकार हमारा बन गया। अब देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, प्लस में है तो आप पहले प्लस में लिख लीजिए ए प्लस बी, क्यू नहीं देना है ए प्लस बी, और इधर जो नंबर आएगा जब एक ले लिए तो बचा कितना, ए दो गो बचा, उसके बाद देखना है एक बी ले लिए तो बचा कितना बी, बस दो बी बचा और लास्ट में ए बी, आप इस प्रकार से, लेकिन याद रखें इसमें माइनस होता है,
ए बी में माइनस होता है। डिटेल सॉल्यूशन करेंगे तो बताएंगे माइनस क्यों होता है। आप देखिए इस प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं, प्लस में है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो क्या करना है ए माइनस बी, माइनस से तो माइनस देना है प्लस से तो प्लस देना है, इंटू एक ले लिए तो बचा कितना दो, और स्क्वायर हमेशा प्लस में लिखना है, और देखना है लास्ट में इसका होता है ए बी, यानी सेकंड घर वाला प्लस ही पूरा होता है। माइनस के फार्मूले में सेकंड जो घर होता है पूरा प्लस होता है, और प्लस के फार्मूले में सेकंड घर होता है ए बी जो होता है माइनस होता है, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। अब ध्यान दीजिए इसको, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इस प्रकार से आप इतने अलजेब्रिक फार्मूले का सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और फार्मूले उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए, मान लीजिए कुछ फार्मूले हैं जिसको रट्टा मारे मारे थक जाते हैं लेकिन नहीं याद होता है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आसान सा ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे निकलता है। तो क्या करना है, एक ये तीनों के लिए है, एक दो तीन तीनों के लिए है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस में रहे या प्लस में रहे स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा पीछे से एक ढक लेना है, पीछे से देखिए एक ढक लिया मैंने, तो बचा क्या, कैलकुलेशन कीजिएगा यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस प्लस क्या होता प्लस ही होता, कभी प्लस प्लस माइनस नहीं होता। देखिए क्या बचा, यहाँ से टू ये नंबर लेना है, टू ए बी, टू ए बी, उसके बाद पहले पीछे झका अब आगे झकना है। अब देखिए प्लस 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 टू बी सी, टू बी सी, उसके बाद देखना है अब बीच में झकना है प्लस 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 टू ए सी, आसानी से निकल गया, ए सी बोलिए या सी ए बोलिए, इस प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब देखिए इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, तो क्या करना है बस आग मुंद के लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर प्लस में लिखना है। अब क्या करना है पीछे से झकना है, झक लिया, अब देखिए ए प्लस और ए प्लस, तो प्लस 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 ए नंबर लिखना है टू एक्स वाई, टू एक्स वाई, बाद में क्या करना है ए आगे झकना है, पहले पीछे झकना याद रहे, पहले उल्टा पलटा नहीं झकेंगे, पहले पीछे झकना है, अब आगे झकिए प्लस 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 होगा टू वाई जेड, टू वाई जेड, उसके बाद बीच में झकना है प्लस 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 टू एक्स जेड, टू एक्स जेड, इस प्रकार से हमारा इसका भी आंसर आ गया। अगर आप माइनस में रहे तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आसान है फ्रेंड्स, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या करना है फ्रेंड्स, पहले आंख मूंद के माइनस रहे या प्लस रहे स्क्वायर जब दिया है तो डरने की कौन सी बात, स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लिया फ्रेंड्स। अब क्या करना है हमें, बस वही ट्रिक अपनाना है, पहले पीछे से झकना है, चलो पीछे कौन है ए, एक दो तीन पीछे, जब भी झकना है तो याद रखिएगा चिन्ह के साथ में साइन के साथ में, यानी खाली सी मत झकिएगा साइन भी ढक दीजिए, ढक दिया। अब क्या बचा देखिए यहाँ पे प्लस, अरे माइनस क्या होता फ्रेंड्स, माइनस टू ए बी, टू ए बी, अब देखिए पीछे तो ढक लिया, अब कहाँ ढकना है आगे, आगे ढक रहे हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब बोलोगे सर माइनस माइनस तो माइनस होता है, लेकिन वो कब होता है, वो प्लस होते समय जुटते समय, लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है। तो अब क्या करना है टू बी सी, टू बी सी, अब क्या करना है लास्ट में मिडिल वाला टर्म झकना है प्लस माइनस माइनस टू ए सी, टू ए सी, इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी हमारा फाइंड हो गया। तो आप देख रहे हैं माइनस हो या प्लस हो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स आप होमवर्क में लिख लीजिए, आप निकाल सकते हैं एम प्लस एन का होल स्क्वायर
एम माइनस एन का होल स्क्वायर एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन या एम प्लस एन का होल क्यू एम माइनस एन का होल क्यू एम प्लस एन माइनस पी का होल स्क्वायर एम क्यू प्लस एन क्यू एम क्यू माइनस एन क्यू। इस प्रकार के आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। और आपके हमारे लिए आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का पूरा पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।